हमारे साथ हैं इस समय हाले दिल अपना बयां करने वाले हर्षित सक्सेना। हर्षित, कैसा लग रहा है ये गाना, इतना सुपर डुपर हिट हुआ है? बहुत अच्छा लग रहा है। एंड सबसे बेस्ट पार्ट है गाने का कि मैंने इससे पहले 3 रियलिटी शो किए हैं और तीनों रियलिटी शो में मैं सेकंड रहा हूँ और इस गाने ने मुझे नंबर वन कर दिया है। सो आई थिंक इट्स अ बिग थिंग फॉर मी एंड इट्स लाइक अ ड्रीम कम ट्रू। प्रेशर था बट कैंप के साथ काम करना? बहुत प्रेशर था बिकॉज सबसे मेन चीज़ था कि मर्डर वन के गाने इतने हिट थे और वो फ्रेंचाइजी इतना बड़ा है मर्डर, उसको आगे फॉरवर्ड करना एंड गाने, इतना प्रेशर था सबसे ज़्यादा कि गाने हिट होने चाहिए, मतलब एक भीगी होंठ तेरे एंड कहो ना कहो एक ऐसा लेगेसी क्रिएट करके गया था जो कि बहुत डिफ़िकल्ट था टच करना। सो मैंने बहुत बहुत मेहनत किया इस गाने के लिए और दिमाग में सिर्फ दो चीज़ था कि इमरान भाई गा रहे हैं और इमरान भाई के लिए वो गा रहे हैं और मैं लिपसिंग, मतलब वो लिपसिंग कर रहा हूँ और मैं गा रहा हूँ, तो वो चीज़ दिमाग में हमेशा थी, वो सोच के ही गाना मैंने किया है। मैं पहली बार तो समझ ही पाया कि ये वही हर्षित है क्योंकि आपकी आवाज़ में बहुत ज़्यादा अलग लग रहा था इसमें, तो वो कितना चेंजेस था? वो चेंजेस बहुत ज़्यादा था बिकॉज उसको करना भी ज़रूरी था बिकॉज रियलिटी शो में हम हमेशा सिंगर के गाए हुए गाने गाते हैं तो हम हमेशा उनसे कहीं ना कहीं इंस्पायर रहते हैं, तो आप ना चाह के भी थोड़ा बहुत वो टोनल क्वालिटी आ जाता है, बट जब आप एक अपना गाना गाते हो तो आपकी अपनी वॉइस नज़र आती है और लोगों को पता चलता है कि आपकी वॉइस क्या है। एंड दूसरा चीज़ कि इमरान हाशमी के लिए तो आपको अपना वॉइस मॉड्यूलेट बहुत करना पड़ेगा बिकॉज उनका एक यूथ, एक तरह से यूथ आइकॉन है और यूथ रिलेट करता है उनके गानों से, तो आई थिंक मुझे बहुत मेहनत करना पड़ा इस गाने को कंपोज करने में भी। ना सिर्फ आपने ये गाना गाया बल्कि कंपोज भी किया है, तो ये तो तारीफ करनी पड़ेगी इसके लिए क्योंकि इतना लोगों के बीच में सेंसेशन पैदा कर दिया इस गाने ने, तो कितना मुश्किल रहा है? ये बहुत मुश्किल था बिकॉज जब मैंने ये ट्यून सुनाया था तो मुझे भी नहीं पता था कि ये इतना बड़ा हिट होगा बिकॉज बट हाँ, इतना ज़रूर पता था कि गाना बहुत अच्छा है और मुझे भट्ट साहब मुकेश जी को बहुत गाना पसंद आया था, तो उन्होंने उसी वक्त बहुत हाथ मिलाया और बहुत एक्साइटेड हो गए थे कि हर्षित बहुत बड़ा गाना है, बहुत बड़ा गाना होगा और बाय द गॉड ग्रेस गाना बहुत बड़ा हो गया है, तो आई थिंक बहुत अच्छा लग रहा है। आई थिंक कुछ ज़्यादा बोलने को है नहीं, सिर्फ इतना है कि ये फीलिंग बहुत अच्छी है, मर्डर मूवी ने भी बहुत बड़ा करा है काम।